राम राम सभी ने। आज की वीडियो जो है फौदा सिंह के ऊपर होगी। फौदा सिंह की जो आज आपको बायोग्राफी बताऊंगी। माना जाता है कि फौदा सिंह जो है सबसे उम्रदराज धावक हैं। उन्हीं की जो आज आपको बायोग्राफी बताऊंगे हम, तो चलिए जो वीडियो शुरू करते हैं। फौदा सिंह ने जो है टोरंटो में 100 साल की उम्र में एक पूर्ण मैराथन की जो है दौड़ लगाई। आप जिस काम को जो है प्यार से करती हैं, वह काम जो है किसी भी उम्र में शुरू कर सकती हैं। 89 साल की उम्र में जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए फौदा सिंह ने धावक बनने का जो फैसला किया था, जिसके बाद उन्होंने अलग अलग आयु वर्ग में कई रिकॉर्ड भी जो स्थापित किए। मूल रूप से जो पंजाब के किसान हैं फौदा सिंह, वो लंबी दूरी के धावक 100 साल की उम्र में फुल मैराथन पूरी करने वाले जो सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति माने जाते हैं। हालांकि उन्होंने रिटायर होने का फैसला कर लिया है, लेकिन 112 साल के फौदा सिंह की फिटनेस की बात करें तो युवा पीढ़ी के लिए जो प्रेरणा बने हुए हैं। फौदा सिंह का जन्म जो है 1 अप्रैल 1911 को ब्रिटिश भारत के पंजाब जिले के जो है जालंधर में हुआ था। वह किसान परिवार में जो है 4 बच्चों में सबसे छोटे थे। फौदा सिंह का बचपन जो आसान नहीं था। उनके परिवार ने सोचा कि वह अपंग है, क्योंकि वह 5 साल की उम्र तक जो चलने में सक्षम नहीं थी। पतले और कमज़ोर पैरों के कारण जो है मुश्किल से जो लंबी दूरी तक चल पाते थे। एक युवा के रूप में जो उन्होंने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए खेती शुरू की। साल 1992 में वह इंग्लैंड चले गए और जालंधर में अपनी पत्नी जियान कौर की मृत्यु के बाद अपने बेटे के साथ पूर्वी लंदन में बस गए। फौदा सिंह ने अगस्त 1994 में अपने 5वें बेटे कुलदीप की मृत्यु के बाद दौड़ना शुरू किया था। उन्होंने दुख को दूर करने के लिए शुरू में टहलना शुरू किया था। हालांकि साल 2000 में जो उन्होंने 89 साल की उम्र तक दौड़ को गंभीरता से लेने का फैसला नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने जो 6 घंटे 54 मिनट में फुल मैराथन पूरी की। तब से जो फौदा सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके प्रशिक्षक का नाम हरमिंदर सिंह। 2003 में जो उन्होंने टोरंटो में 90 से अधिक श्रेणी में जो है 5 घंटे 40 मिनट में जो है वाटर फ्रंट मैराथन को पूरा किया। फौदा सिंह के नाम जो है अनेकों रिकॉर्ड हैं। फौदा सिंह नामक जो है एक बायोपिक जो है बनने वाली है जल्दी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।